हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लॉ ऑलर। मैं एडवोकेट प्रवीण सिंगल आज आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं इस वीक की इम्पोर्टेंट लीगल न्यूज, जिसमें हम देखेंगे कि दिल्ली सरकार ने एडवोकेट को क्या बेनिफिट दिए, क्यों करा अक्षय कुमार ने मानहानि का दावा अगेंस्ट ए यूट्यूबर, और क्या वाइफ आरटीआई से हस्बैंड की इनकम पता कर सकती है, और इन केस ऑफ डिवोर्स अगर बच्चा है और वो किसका है इसके लिए डीएनए कराना जरूरी है, और जब आप एग्जाम देते हैं तो जहां पर ओएमआर शीट आपको भरनी है और ओएमआर शीट में अगर वाइटनर लगा दिया है तो क्या वो रिजेक्ट होगी या कोर्ट से आप रिलीफ ले सकते हैं और उसे एक्सेप्ट करा सकते हैं। ये सारी इंपॉर्टेंट लीगल न्यूज हम आपके साथ अभी डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट लीगल न्यूज। दिल्ली गवर्नमेंट ने एडवोकेट के लिए 30 करोड़ रुपीस दिए हैं टू न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, जिसमें 29,077 एडवोकेट को बेनिफिट मिलेगा अंडर द चीफ मिनिस्टर एडवोकेट वेलफेयर स्कीम। इसमें एडवोकेट को 10 लाख रुपीस का टर्म इंश्योरेंस मिलेगा, ग्रुप मेडिक्लेम मिलेगा ऑफ रुपीज 5 लाख, और ग्रुप मेडिक्लेम में एडवोकेट, उसके स्पाउस और दो बच्चे जिनकी एज 25 ईयर्स या उससे कम है उनको ये बेनिफिट मिलेगा। ई लाइब्रेरी बनाई जाएंगी विद 10 कंप्यूटर्स इन 6 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और इवन फ्रिज फैसिलिटीज भी 6 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अवेलेबल कराई जाएंगी। तो ये बहुत वेलकम स्टेप है दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से एडवोकेट के लिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। बिना सोचे समझे किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पे कमेंट देना बहुत ही खतरनाक हो सकता है, ऐसा ही हुआ है एक यूट्यूबर के अगेंस्ट। उन्होंने कुछ बेसलेस एलिगेशंस लगाए जिसमें अक्षय कुमार को उन्होंने तरह तरह से एक्यूज किया कि वो मीन्स सुशांत सिंह राजपूत जो है उनकी एक मूवी आई थी महेंद्र सिंह धोनी, पहले वो अक्षय कुमार को मिलने वाली थी तो इन्होंने बाद में क्योंकि सुशांत सिंह को दे दी गई तो उन्होंने उसके अगेंस्ट कुछ साजिश रची एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत सारे उन्होंने एलिगेशंस लगाए। इन सारे एलिगेशंस के अगेंस्ट एक्टर अक्षय कुमार ने डिफेमेशन नोटिस भेजा है टू ए 25 ईयर ओल्ड यूट्यूबर एआई रचित सिद्दीको को इन डिफेमेटरी और डेरोगेटरी रिमार्क्स पास करने के लिए। अब देखना है इसमें फर्दर क्या होता है, लेकिन हमारा एक सजेशन है आप यूट्यूब या कोई भी सोशल प्लेटफॉर्म है तो विदाउट एनी बेसिस कोई भी एलिगेशन लगाने से किसी के अगेंस्ट भी बचे। नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। वाइफ जो है इन केस ऑफ डिवोर्स अगर हस्बैंड की इनकम पता करना चाहती है तो सीआईसी ने एक इम्पोर्टेंट अभी एक रूलिंग दी है। उन्होंने कहा है वाइफ जो है सब्जेक्ट टू सर्टेन लिमिटेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से अपने हस्बैंड की इनकम की डिटेल्स मांग सकती है। अब ये लिमिटेड डिटेल्स क्या हुई, ये बेसिकली जेनरिक डिटेल्स हो गई। वाइफ को इनकम टैक्स रिटर्न के फॉर्म नहीं दे दिए जाएंगे, लेकिन जेनरिक डिटेल्स जिसमें हम बात कर रहे थे नेट इनकम की वो पता कर सकते हैं कोई भी वाइफ अपनी हस्बैंड की फ्रॉम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब डीएनए टेस्ट की न्यूज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ऑब्जर्व किया है कि अगर एक एडल्ट्री का एक्यूजेशन लगाया गया है बाय हस्बैंड टू हिज वाइफ तो इस केस में डीएनए टेस्ट कराया जा सकता है, और डीएनए टेस्ट जो है एक कंक्लूसिव एविडेंस माना जाता है कि प्रूव करने के लिए कि वो उसके जो एक्यूजेशन है वो ठीक है या नहीं है। और क्या ये प्रिज्यूम किया जा सकता है कि अगर वाइफ वो टेस्ट कराने से मना कर दे तो ये एक एविडेंस माना जाए वाइफ के अगेंस्ट। तो बहुत ही कैटेगरिकली इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ऑब्जर्व किया है कि ये साइंटिफिकली परफेक्ट नहीं है और डीएनए टेस्ट कराया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, आपको मैं एक अच्छी इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ। हमारे को हम कुछ वेबिनार्स करते हैं और उन वेबिनार्स में आपको डे टू डे लाइफ से रिलेटेड इम्पोर्टेंट लीगल अपडेट देते हैं। लीगल अपडेट जैसे बिल्डर के अगेंस्ट अगर बिल्डर ने आपके साथ फ्रॉड किया है तो आप क्या एक्शन उसके अगेंस्ट ले सकते हैं एज ए लॉयर और एज ए क्लाइंट, प्लस लीगल नोटिस किस तरह से बनाया जा सकता है, और इसी तरह के कुछ इम्पोर्टेंट कोर्सेज हम लेकर आए हैं फॉर स्पेशली फॉर लॉ स्टूडेंट्स, एडवोकेट, चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड
सीए स्टूडेंट्स, तो आप ये प्रैक्टिकल एक्सपोजर के लिए ये कोर्सेज हमारे ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको इसके बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में आप हमें ईमेल आईडी दे दीजिए, या हम आपको अभी लास्ट में एक ईमेल आईडी प्रोवाइड करेंगे, उसमें आप हमें ईमेल डाल सकते हैं और हम आपको उसकी डिटेल प्रोवाइड करा देंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट न्यूज की तरफ। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने राम जन्मभूमि को लेकर एक फ्रिवलस प्ली को डिसमिस किया। डिसमिस करने के साथ साथ जितने भी पेटिशनर थे सबके ऊपर 1 लाख की उन्होंने कॉस्ट लगा दिया, जो कि डिपॉजिट होनी है इन म्यूचुअल वेलफेयर फंड विद इन 1 मंथ, और म्यूचुअल वेलफेयर फंड है ये फॉर सुप्रीम कोर्ट एम्प्लॉय। तो कोई भी आप पीआईएल डाल रहे हैं तो सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट के लिए पीआईएल मत डालिए। इसमें देखिए आपके पास क्या फैक्ट्स हैं और क्या वो रियली पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए है या नहीं है। तो ऐसे बहुत से इंसिडेंसेस आए हैं जहां पर ऑनरेबल कोर्ट को लगा है कि ये फ्रिवलस है, और फ्रिवलस होने के साथ साथ ये पब्लिसिटी स्टंट के लिए की गई है और कोर्ट इसमें हैवी कॉस्ट इंपोज कर देता है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट न्यूज की तरफ। सेबी ने सुब्रत राय को कहा है कि आप 62,600 पे करिए, और सेबी ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया है कि अगर ये अमाउंट पे करने से जो सुब्रत रॉय अनेबल रहते हैं, पे नहीं करते हैं, तो इनकी पैरोल को कैंसिल कर दिया जाए और वापिस से इन्हें कस्टडी में ले लिया जाए। अब देखते हैं आगे कोर्ट इसमें क्या स्टैंड लेता है। अब बात करते हैं एग्जामिनेशन की। जहां पर भी एग्जामिनेशन होते हैं और जहां पर ओएमआर शीट यूज होती है, तो उसमें एक रूल होता है कि उसमें एक बार आपने फिल कर दिया तो उसे रबर से या वाइपनर नहीं लगाना है, और लगा देते हैं तो उस केस में ओएमआर शीट रिजेक्ट हो सकती है। तो यहाँ पर इस प्रेजेंट केस में जो पेटिशनर है उसने वाइटनर यूज किया, इरेजर यूज किया और अपना आंसर शीट सबमिट कर दी। उसने कहा कि मैं ये एग्जाम 4 या 5 साल में एक बार होते हैं और मेरी जो शीट है जिसमें मैंने वाइटनर लगाया है उसे एक्सेप्ट कर लिया जाए, क्योंकि अगर ये रिजेक्ट हो गई तो 5 साल बाद अगर एग्जाम होता है तो मेरी एज उसमें क्रॉस हो जाएगी और मैं एलिजिबल नहीं होऊंगा। इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो एग्जामिनेशन रूल्स हैं वो सबके लिए एक जैसे होने चाहिए, और एक जैसे रहने के साथ साथ सबके लिए एप्लीकेबल भी वो ट्रांसपेरेंट वे में होने चाहिए। अगर हम आपके लिए एक पेटिशनर के लिए ये अलाउ कर देते हैं वाइटनर लगाना या इरेज करना, तो यहाँ पे पेंडोरा बॉक्स खुल सकता है और ट्रांसपेरेंट एग्जाम नहीं हो पाएंगे। इसलिए इस पेटिशन को डिसमिस कर दिया गया और उस शीट को रिजेक्ट माना गया। अब बात करते हैं इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग की। इस पर्टिकुलर केस में मैसर एक्सिस निर्माण एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अगेंस्ट वाइंडिंग अप प्रोसीडिंग चल रही थी। तो इसमें क्रेडिटर्स हैं एक कैलिडोनिया जूट एंड फाइबर। उन्होंने कहा कि इस प्रोसीडिंग को वाइंडिंग अप प्रोसीडिंग को ट्रांसफर किया जाए फ्रॉम अलाहाबाद हाई कोर्ट टू एनसीएलटी। उस कैलिडोनिया ने एक एप्लीकेशन फाइल की इन द कंपनी कोर्ट इन हाई कोर्ट। उन्होंने यहां पे सीक किया ऑफ ट्रांसफर ऑफ वाइंडिंग अप प्रोसीडिंग टू एनसीएलटी। कोर्ट ने ये कहते हुए इसे रिजेक्ट कर दिया क्योंकि यहां पर वाइंडिंग अप ऑर्डर ऑलरेडी हो चुका है, इसलिए इसे ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। अब इस ऑर्डर के अगेंस्ट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इट्स ए कंटीन्यूअस प्रोसेस और इस मीन वाइंडिंग अप इज ए कंटीन्यूअस प्रोसेस, और इस प्रोसेस में कोई भी क्रेडिटर आकर ज्वाइन कर सकता है और एप्लीकेशन लगा सकता है फॉर ट्रांसफर ऑफ प्रोसीडिंग फ्रॉम हाई कोर्ट टू एनसीएलटी, और इसे मेरिट के बेसिस पर डिसाइड किया जा सकता है। वर्चुअल हियरिंग को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रोसीड किया जा सकता है। अब पहले एक ऑर्डर आया था जिसमें कहा गया था कि कोई भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अर्जेंट मैटर्स को ले सकती है, लेकिन वो एडवर्स ऑर्डर पास नहीं कर सकती है अगर पार्टी वहां पर या एडवोकेट प्रेजेंट नहीं है। तो अभी ऑर्डर के को मॉडिफाई किया गया है और एक नया ऑर्डर आया है जिसमें कहा गया है कि कोर्ट के पास डिस्क्रिशन है कि अगर वो मैटर अर्जेंट है और नेसेसरी है कोर्ट के लिए उसमें प्रोसीड करना,
इन द एब्सेंस ऑफ पार्टीज और देयर एडवोकेट कोर्ट कैन फर्दर प्रोसीड। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और ये लीगल न्यूज हम हर वीक लेकर आते हैं, तो इसको आप वॉच करिए, देखिए, और अगर आपके कोई कमेंट्स हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं।